हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। भारत में पहली बार ऐसा एक करिश्मा देखने के लिए मिला है जहाँ पर 74 ईयर की महिला ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और इतने सालों के बाद, इतने बुजुर्ग होने के बाद उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस एज में उनको बच्चे पैदा करने के लिए उनको मन हो गया। सब चीजों के बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ के साथ अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए जरूर कि आपकी लाइफ में बच्चे कितने अहम हैं। तो हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कि अगर बच्चे होते हैं तब कैसा लगता है और अगर बच्चे नहीं होते हैं तब कैसा लगता है, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए अगर जानकारी अच्छी लगी तो। प्लीज इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। हैदराबाद के गोदावरी क्षेत्र से हमारे सामने ये मामला आया है जहां पर दो बुजुर्ग कपल इधर उधर घूम रहे थे, मतलब कि वो बहुत सालों से इधर उधर घूम रहे थे, नर्सिंग होम के चक्कर काटते थे, हॉस्पिटल जाते थे, अलग 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 डॉक्टर से मिलते थे। उनकी पीड़ा ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत टाइम से इन सब चीजों के ऊपर, मेडिकल के ऊपर भरोसा रख के बैठे थे कि आज नहीं होगा तो कल होगा तो होगा, क्योंकि उनको अपनी संतान चाहिए। और उसी के साथ आप लोगों को ये भी सब चीजें बता दें कि जिसकी संतान नहीं होती है तो उसको इस चीज की विपता हमेशा लगी रहती है कि उसको अपना खुद का बच्चा चाहिए होता है। उसी तरीके से इन दोनों की भी यही इच्छा थी कि इनको खुद का बच्चा चाहिए, तो सब मेडिकल, सब जगह पर, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल गए, पर कोई भी ऐसे सब चीजें नहीं कर पाया। पर एक डॉक्टर ने इस सब मामले को अपने हाथ में लिया और उस महिला के टेस्ट किए, और जब उसके टेस्ट किए गए और तब बताया गया जो उसकी बैक बोन है वो स्ट्रांग है अभी तक भी, और जो उसका शुगर लेवल है वो भी काफी अच्छा है, और जो उसका बीपी लेवल है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा डॉक्टर दोनों से, बाकी के डॉक्टर से बातचीत की इस केस के बारे में। तो उस महिला के टेस्ट किए गए और टेस्ट करने के बाद उन्होंने इस कपल को ये चीज बताई कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। अभी हम आपको बता दें कि उस महिला ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है जो कि सीजरीन से हुआ है, और 2018 में डॉक्टर की मदद से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई। एक मेडिकल एक टर्म है जिसका नाम है IVF। IVF की मदद से ही इन लोगों को संतान मिल पाई, और ये लोग बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं उन डॉक्टर्स को, क्योंकि ये कम से कम 70 काफी साल हो गए हैं कि ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, दो डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे, पर इनसे कुछ भी इनके हाथ नहीं लगा था, और आखिरकार इनके हाथ दो बच्चे लग गए। भगवान ने इनके झोली में दो बच्चे डाल दिए, और उन्होंने ये चीज बोली कि हमारे गांव में काफी ज्यादा जमीन है और हमने जन कल्याण भी किया है, बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे अडॉप्ट नहीं किए, हमने बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, पर कहीं ना कहीं ये था कि हमारे खुद का भी एक बच्चा हो, हमारे खुद की एक संतान हो, तो इसीलिए हम ट्राई करते रहे। पर आज डॉक्टर साहब की ये मर्जी की साथ ही हम लोगों के साथ ये पॉसिबल हो पाया है, और ये प्रोसीजर 2018 में शुरू हुआ था जो कि अब जाके 74 ईयर की जो बुजुर्ग महिला है उसने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, और अभी भी वो जो औरत है वो हॉस्पिटल में है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। वैसे वो हेल्दी है, बच्चे भी काफी ज्यादा हेल्दी है, और जब तक वो प्रेग्नेंट थी तब तक डॉक्टर्स और नर्स ही उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रही थी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जो बॉडी होती है हमारे एज होने के बाद वो बॉडी इतना ज्यादा पेन नहीं झेल सकती है। तो इसी की वजह से इस औरत की सीजरीन से डिलीवरी करवाई गई। इस औरत का नाम है मंगम्मा, और इनकी शादी को 54 ईयर हो गए थे और इनको बच्चा अभी तक नहीं हुआ था, और अभी भगवान ने उनकी झोली भर दी है। हम आशा करते हैं ये कपल हमेशा खुश रहें, और वो जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखें, और वो हमेशा हेल्दी रहे, क्योंकि बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो इसीलिए सब लोगों को अपनी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, कभी ना कभी तो भगवान फल देता ही है, जिस तरीके से इस कपल को दे दिया है। अगर आप लोगों को भी ये सुन के अच्छा लगा है, क्योंकि ये इंडिया का हमारा पहला केस है
जो कि इतनी ज्यादा बुजुर्ग महिला ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अगर आपको भी हमारी साइंस के ऊपर काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, हमारे इंडिया में ये सब चीजें हुई है, तो प्लीज एक कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।